हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, आज का जो जॉब अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट 2023, रेलवे की तरफ से अराउंड 2409 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। रेलवे अप्रेंटिसज की वैकेंसीज देखने को मिल रही है। 28 सितंबर 2023 को इन पोस्ट के लिए लास्ट डेट रहने वाला है। एप्लीकेशन फी ओनली 100 रुपी का यहाँ पे आपको फी सबमिट करना होगा। अगर आप 10th पास है प्लस आपने डिप्लोमा किया हुआ है ITI में, तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको मैं ये भी बता दूँ कि इसमें ना कोई आपको एग्जाम होगा, सिर्फ आपका मेरिट होगा। जितने भी आपको 10th में मार्क्स आए होंगे प्लस ITI में मार्क्स आए होंगे, उसी के बिहा पे आपका मेरिट आएगा, उसी के बिहा पे आपकी सिलेक्शन होगी। तो चलिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो ये है आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ अप्रेंटिसज ओवर सेंट्रल रेलवे। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 अगस्त 2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 28 सितंबर 2023 को इन पोस्ट के लिए लास्ट डेट रहने वाला है। 2409 वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ में बताया गया है कि जितने भी आपको 10th में मार्क्स आए होंगे प्लस ITI में मार्क्स आए होंगे, उसी के बिहा पे आपका मेरिट आएगा, उसी के बिहा पे आपकी सिलेक्शन होगी। अप्रेंटिसज विल बी एंगेज इन द फॉलोइंग ट्रेड्स। तो यहाँ पे ट्रेड दिया हुआ है, किस किस ट्रेड में वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मुंबई क्लस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे कैरेज एंड वैगन कोचिंग, यहाँ पे फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, जनरल एंड टेलर के वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। 258 यहाँ पे वैकेंसीज है। अगर आपने ITI किया हुआ, अगर आप 10th पास है इन ट्रेड्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कल्याण डीजल शेड के इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिस्ट, वेल्डर, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के यहाँ पे प्लस मैकेनिक डीजल के यहाँ पे 50 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अगर आपने ITI किया हुआ है इन ट्रेड्स में, तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर की आपको यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाली है। उसके साथ अलग अलग क्लस्टर में अलग अलग यहाँ वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। यह है मुंबई क्लस्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो। कल्याण, कुरला के अलग से यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रही है। इसी तरह मुंबई क्लस्टर के यहाँ पे और एक वैकेंसीज, ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे 547 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी तरह आप चेक कर सकते हो, बुसवाल क्लस्टर के लिए अलग से वैकेंसीज है। तो हर किसी क्लस्टर में यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो टोटल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, टोटल 2409 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 15 ईयर्स यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट रहने वाली है एंड 24 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है। उसके साथ यहाँ पे 5 ईयर्स की एक रिलैक्सेशन दी गई है SC ST कैंडिडेट्स के लिए एंड 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट्स। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा। इनकी वेबसाइट भी है, इनकी वेबसाइट, वहाँ पर आप जा सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है 10th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, DOB कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर जो कि आपने ट्रेड ITI किया हुआ है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, उसकी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, SC है, ST है, OBC, तो उसको भी अपलोड करना है। डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट, ये भी आपको अपलोड करनी है एप्लीकेशन के साथ। लास्ट डेट जो है यहाँ पे 28 सितंबर 2023 तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो 100 रुपी आपको यहाँ पे फी सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कैसे आपको करना है, ये यहाँ पे सब डिटेल्स दी हुई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, 10th पास होना चाहिए आप प्लस आपको ITI पास होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, ठीक है। तो ये था आज का जॉब अपडेट। हम मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में इस यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।